हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है और ये तीसरा वीडियो है आपके लिए जिसमें कि मैं करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिसमें कि सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेटेस्ट कवर किए हैं मैंने। तो सभी एग्जाम्स, चाहे वो MPPSC हो, UPSC, SSC CGL या फिर सिविल सर्विसेज की कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ ये तीसरा पार्ट जो कि करंट अफेयर सीरीज का है। तो सभी विद्यार्थी मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए आप मेरा वीडियो, मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के साथ में ऑल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिले और इसको आप अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए शुरू करता हूँ मैं करंट अफेयर्स का ये तीसरा पार्ट, जिसमें कि इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अनअकैडमी के बारे में, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। सब्सक्राइब नाउ अनअकैडमी, जिसमें कि आप सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं मेरे लिए। और सब्सक्राइब करने के लिए आपको मेरा कोड हरदयाल कुशवा यूज़ करना है, जिससे कि आपको सीधे 10% का डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी पे। इससे पहले कि प्राइज हाइक हो, तुरंत आप सब्सक्राइब करें और ऐसा मौका आपके हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि अभी आने वाले समय में अनअकैडमी अपने सभी कोर्सेज की फीस हाइक करने वाला है। तो 10% के डिस्काउंट के साथ में मेरा रेफरल कोड यूज़ कीजिए और इसमें आप सीधे 10% के डिस्काउंट के साथ में प्लस में सब्सक्रिप्शन कर लीजिए। फ्री वर्सेस प्लस, फ्री में आपको लिमिटेड सिलेबस मिलता है, वहीं वहाँ पर प्लस में ही आपको कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, PDF नोट्स और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस, मॉक टेस्ट और साथ में 2000 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट मिलते हैं। ये डिफरेंस है फ्री और प्लस में। बेनिफिट क्या होता है सब्सक्रिप्शन का? लर्न फ्रॉम योर फेवरेट टीचर थ्रू द लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर लर्निंग, डिफरेंट कोर्सेस होते हैं, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, पोल कमेंट्स क्विज भी किया जाता है साथ में, और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है सभी एडुकेटर्स का सिंगल सब्सक्रिप्शन में, जिसमें कि एक कैटेगरी में आप एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो को और ऑफलाइन मोड में देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर PDF नोट्स भी आप डाउनलोड करके रिविजन कर सकते हैं। अनअकैडमी पे अभी हाल ही में 18 अगस्त को 8 मंथ का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हुआ है, जिसमें कि MPPSC प्रीलिम्स और मेंस की दोनों तैयारी करवाई जा रही है। तो तुरंत ज्वाइन करें आप प्लस कोर्सेज को, जिसमें कि MP के टॉप एडुकेटर्स आपको पूरी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, PDF नोट्स मिलेंगे। फ्रॉम दिस लिंक यू कैन ज्वाइन इट एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय रेफरल कोड। मेरा रेफरल कोड जो कि सामने आपको दिख रहा है हरदयाल कुशवा, इसको यूज करेंगे आप, सीधे 10% का डिस्काउंट आपको प्लस के सब्सक्रिप्शन में मिलने वाला है। अगला जो कोर्स है वो है MPPSC स्टेट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन सेक्शन ए का, और साथ ही साथ असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स एग्जाम क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है, जो कि 16 अगस्त से स्टार्ट कर दिया गया है। तो इसको भी आप ज्वाइन कीजिए, जिसमें कि आप वो सभी एग्जाम्स की तैयारी कर पाएंगे जो कि अभी अभी हाल ही में इसका नोटिफिकेशन आया और दिसंबर में इसके पेपर होने वाले हैं। तो तुरंत ज्वाइन करें इस कोर्स को, जिसमें कि सारे डाउट क्लियरिंग PDF नोट्स और वो सारी थ्योरी क्लासेस कंप्लीट होंगी, जिसमें कि आप इस एग्जाम की पूरी तैयारी कर पाएंगे। मेरा कोड इस्तेमाल कीजिए और 10% का डिस्काउंट इसमें भी आपको मिलेगा सीधा का सीधा। मेरा कोड है हरदयाल कुशवाहा। जो बैच जुलाई में स्टार्ट हुए हैं उनका भी एक्सेस आपको मिलेगा, साथ में जो बैच आपके अगस्त में स्टार्ट हुए हैं उनका भी एक्सेस मिलेगा, और जो होने वाले हैं उन सभी का एक्सेस आपको सिंगल कैटेगरी के कोर्स में एक्सेस मिलेगा। अनअकैडमी पर हाउ टू गेट द सब्सक्रिप्शन, आपको पर्टिकुलर कोर्स का सब्सक्रिप्शन चूज करना है, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने का। देन उसके बाद में मेरा कोड अप्लाई कीजिए हरदयाल कुशवा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। देन उसके बाद में आप इसमें प्लस में सब्सक्रिप्शन आपको सीधे डायरेक्ट मिल जाएगा। अनअकैडमी में नया फीचर लाइव क्विज, जिसमें कि आप लाइव क्विज में पार्टिसिपेट करके अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन की एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। अगला प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट, जिसमें कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने सभी पेपर्स की। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज का नया फीचर, जिसमें कि आप टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। अनअकैडमी पर वर्चस्व नाम की मैगजीन, जिसमें कि आप करंट अफेयर्स की पूरी तैयारी कर सकते हैं, और ये फीचर प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए अवेलेबल है, जिसमें कि आप प्लस में ही करंट अफेयर्स की वर्चस्व पत्रिका अवेलेबल रहेगी। तो इसके लिए आपको प्लस का यूजर्स के प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए और इसमें आपको सीधा मेरा कोड हरदयाल कुशवा यूज करके 10% का डिस्काउंट आपको सीधा मिलेगा, जिसमें कि आप प्लस के यूजर्स बनकर डायरेक्ट सारे एग्जाम्स की तैयारी कर पाएंगे। अनअकैडमी पे आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। लाइव क्लासेस में आपको पोल्स के थ्रू आप आंसर दे सकते हैं, जिसमें कि आप अपनी एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। ABCD करके आपको पोल आएगा, जिसमें कि आप लाइव क्लास में अपने एग्जाम्स के क्रैश कोर्स में पोल्स पर आंसर दे सकते हैं। सारे डाउट क्लियरिंग सेशंस यहाँ पर चलते हैं, जिसमें कि आपके सारे डाउट्स क्लियर होते हैं।
साथ ही साथ वीकली और मेगा क्विज भी कंडक्ट होती हैं टाइम टू टाइम, तो जिसमें कि आप अपने सारे एग्जाम्स की तैयारी भरपूर तरीके से कर पाएंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए नाउ एंड क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए एमपीपीएससी और पापम्स के सभी एग्जाम। सो लेट्स क्रैक इट एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जिसमें कि आपको सारे कोर्सेज में 10% का डिस्काउंट आपको सीधा मिलेगा मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा जैसे आप लगाएंगे। सो लेट्स क्रैक इट विद द अनअकैडमी। पहला क्वेश्चन आ गया आपको इस करंट अफेयर्स का, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? सही विकल्प कौन सा होगा इसमें? 24 जुलाई, 26 जुलाई, 28 जुलाई या फिर 29 जुलाई। तो इसका सही विकल्प जो है वो है डी इज द करेक्ट आंसर। 29 जुलाई को हर वर्ष अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लीजिए सेकंड क्वेश्चन आ गया, 30 जुलाई 2021 तक मध्य प्रदेश में देश के सर्वाधिक कितने बाघ थे, कितने बाघ हैं मतलब? तो इसके ऑप्शन आपके सामने है, ए 526 बाघ, 626 बाघ, 551 या फिर 560 बाघ। तो इसमें सही विकल्प कौन सा होगा? तो ए विकल्प इज द करेक्ट आंसर। टोटल 526 बाघ मध्य प्रदेश में स्थित हैं। इस कारण से मध्य प्रदेश को टाइगर, ठीक है ना, सबसे अधिक, अगर भारत में कहीं पर बाघ सबसे अधिक हैं तो वो है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश को 2019 में टाइगर, ध्यान रखिएगा, टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त है, जो कि सबसे अधिक टाइगर के साथ में पहले नंबर पर, प्रथम स्थान पर है, फर्स्ट पोजीशन है इसकी टाइगर में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आ गया प्रश्न नंबर थर्ड, 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस पर सतपुड़ा फील्ड गुड पुस्तक का विमोचन किसने किया? शिवराज सिंह चौहान, उषा ठाकुर ने, कमल पटेल ने या फिर ओम प्रकाश सकलेचा ने? तो इसका सही विकल्प कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है ए विकल्प इज द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका उद्घाटन किया, जिसका नाम है सतपुड़ा फील्ड गाइड। अगला प्रश्न आ गया सिंगल लाइन फैक्ट्स में करंट अफेयर्स का, हाल ही में मध्य प्रदेश के नया राज्यपाल किसको बनाया गया है? तो इसका सही विकल्प है, जो सही आंसर है वो है श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल। श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल को हाल ही में मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। इससे पहले संयुक्त रूप से राज्यपाल कौन थी? आनंदी बहन पटेल। कौन थी? आनंदी बहन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के साथ साथ मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल संयुक्त रूप से थी। तो अभी हाल ही में इनको बनाया गया श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल को। नाम याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आ गया, देश के किस राज्य में सोलर पंप योजना शुरू की जाएगी? तो इसका सही उत्तर जो है वो है अपना प्यारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सोलर पंप योजना शुरू की जाएगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग कितने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए टैक्सी चलाने के लिए प्रशिक्षण देगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है 300 महिलाओं को। कितनी? 300 महिलाओं को प्रशिक्षण देगा, जो कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये टैक्सी चलाने की प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आ गया सिंगल लाइन का, मध्य प्रदेश के किस संभाग के द्वारा वृद्ध वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है? तो इसका सही विकल्प कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है ग्वालियर संभाग, ग्वालियर संभाग और चंबल संभाग। ये दोनों में, ठीक है, अभी हाल ही में ये दो संभाग हैं जिसमें कि सबसे अधिक वृक्षारोपण का अभियान चलाया जा रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आ गया, हाल ही में देश में मध्य प्रदेश की किस जिले की निकिता सिंह ने वायु सेना में न्यायिक सेवा की जो परीक्षा है उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो ये मध्य प्रदेश की किस जिले की है ये? तो इसका जो सही आंसर है वो है सतना। मध्य प्रदेश में सतना जिले की है ये, जिनका नाम है निकिता सिंह, और अभी हाल ही में इन्होंने भारतीय सेना में न्यायिक सेवा की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश के किस जिले में दिव्यांग जनों के प्रोत्साहित करने के लिए खेल परिसर बनाया जा रहा है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ग्वालियर। ध्यान रखिएगा, ग्वालियर में ये दिव्यांग जनों को प्रोत्साहित करने के लिए ये खेल परिसर बनाया जा रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लीजिए अगला प्रश्न आ गया सिंगल लाइन का, मध्य प्रदेश के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा, लंबा
और सबसे लंबा और दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा हाई स्पीड ट्रैक जिसको बोलते हैं नेट ट्रैक्स बनाया जा रहा है। तो कहाँ पर बनाया जा रहा है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो ये है इंदौर में, ध्यान रखिएगा इंदौर में ये बनाया जा रहा है। और ये है एशिया का सबसे लंबा और दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा हाई स्पीड ट्रैक जिसका जिसका नाम है नेट ट्रैक्स। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आ गया और इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है। हाल ही में ब्रिटेन की डायना अवार्ड 2021 से किस फाउंडेशन के को बाल मित्र सुरजीत लोधी को सम्मानित किया गया? किस फाउंडेशन के हैं ये बाल मित्र जिसका नाम है सुरजीत लोधी को सम्मानित किया गया है? तो ये किस फाउंडेशन के हैं ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है कैलाश सत्यार्थी। क्या नाम है? कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन। कैलाश सत्यार्थी जो कि नोबेल प्राइज विनर है उनके नाम पर ये पूरी फाउंडेशन है, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन, जिनको हाल ही में, ठीक है ना, इनके जो बाल मित्र सुरजीत लोधी है इनको सम्मानित किया गया है। किससे? ब्रिटेन की डायना अवार्ड 2021 के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आज आपको इस वीडियो में कंप्लीट किए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और लगातार मेरी करंट अफेयर्स की सीरीज से जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं इस सीरीज के माध्यम से लेके आऊंगा जिसमें कि करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस कवर होंगे। तो इसी के साथ अपना ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।